अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेमिंगटन केक की रेसिपी जिसको हम ओवन के बगैर बनाएंगे ये एक ऑस्ट्रेलियन रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है इनशाला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी इसको हम ओवन के बगैर बनाएंगे बटर के बगैर बनाएंगे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके और हम इसको ब्लेंडर में बनाएंगे बीटर भी यूज़ नहीं करेंगे रेसिपी बहुत सिंपल है बस आपने इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना इनशाला आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट करिएगा तो रेसिपी की तरफ चलते हैं सबसे पहले तो आपने कोई सा भी मोल्ड जो आप यूज़ कर रही हो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेवन बाई सेवन इंच का मोल्ड लिया उसको ग्रीस कर लेना ठीक है मैंने इसको ग्रीस किया पहले ऑयल से सारी साइडों से भी कर लेना बॉटम से भी कर लेना और उसके बाद इसके बॉटम में बटर पेपर लगा देना अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह नोटबुक का पेपर यूज कर सकते हैं एंड देन हम एक ब्लेंडर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऐड करेंगे तीन अंडे अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं फ्रिज वाले अंडे हम यूज नहीं करेंगे जब भी आप बेकिंग कर रहे कुकीज़ बेक करें या केक बेक करें आप हमेशा रूम टेम्परेचर वाले एग्स यूज़ करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका केक परफेक्ट बने तो आप रूम टेम्परेचर वाले एग्स ही यूज़ करिएगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थ्री फोर्थ कप शुगर यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ली है और हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो स्ट्रोंग स्मेल वाला केक को ख़राब कर देता ऑयल इसलिए उसका टेस्ट को अच्छा रखने के लिए अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करेंगे जिसकी स्ट्रांग स्मेल ना हो ब्लेंडर का हम लिड देकर इसको कवर करेंगे और इसको हम मशीन को ऑन कर देंगे अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अब हमने इसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक ये क्रीमी सा हो जाए थोड़ा सा लाइट सा फ्लफी सा हो जाएगा थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हम इसको सिक्सटी सेकंड्स के लिए ब्लेंड करेंगे तो सिक्सटी सेकंड्स में ये हो जाता है अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है और अगर आप ब्लेंडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बीटर का यूज़ कर सकते हैं आप बीटर से इसको बीट कर लीजिएगा उस तरह भी हो जाता है ये ब्लेंड हो चुका है तो इसको साइड पे कर दें अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करने के लिए एक बोल लेंगे एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें ऐड करेंगे एक कप मैदा मैदे को आप छान के इस्तेमाल करिएगा वन एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे एंड वन फोर्थ टी स्पून नमक ऐड करेंगे एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर यहाँ पे मैंने वन टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं ऑप्शनल है आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा केक में कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है उसके बाद हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाने चाहिए हमेशा जब भी आप बेकिंग करें आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग से मिक्स कर लिया करें और उसके बाद उसमें जो वेट इंग्रेडिएंट्स ग्रीडर्स वो ऐड किया करें उसके बाद जो ब्लेंडर में हमने सारा मिक्सचर तैयार किया था ना ब्लेंड किया था अंडे शुगर और वो ऑयल तो वो वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद मतलब से सारा जो मिक्सचर है ना अपने ब्लेंडर्स के साइडों से उतार लेना है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस तो ये स्टार्ट में ऐड कर दे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है मुझे याद नहीं रहा था इसलिए मैं इसमें इसको बाद में ऐड कर रही हूँ ठीक है अंडू के साथ ऐड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है अब यहाँ ये अंडू की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ही होता है ना इसलिए और यहाँ पे अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे फोल्डिंग करते हुए ठीक है पहले तो आपने वेट जो सारा था ना मिक्सचर उसमें एसेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना फिर इसको कंबाइन करना आपस में ठीक है अब हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते हुए करना है ठीक है ऐसे एक ही डायरेक्शन रख के इसको फोल्ड करते हुए जेंटली इसको मिक्स करते जाना है ठीक है जब भी आप केक बेक करें तो आप कोशिश किया करें कि वेट ग्रेरस को आहदा से मिक्स किया करें और उसके बाद जब ड्राई ग्रेरस को आप इसके साथ कंबाइन करें तो फोल्डिंग करते हुए स्पेस्ला की मदद से आप इसको मिक्स किया करें विस्कर का इस्तेमाल ना किया करें एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबल स्पून मिल्क और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ठीक है अभी भी आप देख रहे होंगे मैं विस्कर का यूज़ नहीं कर रही मैं स्पेसला से ही कर रही हूँ अगर आप चाहते हो कि आपका केक अच्छी तरह से हो ना अच्छा सा परफेक्ट सा बने तो आपने इसकी फोल्डिंग ही करनी है अब हम इसको बैटर को तब तक हम फोल्ड करते रहेंगे जब तक ये स्मूथ सा हमारे पास बैटर नहीं आ जाता इसमें कोई लम्पस नहीं होने चाहिए बहुत ही स्मूथ सा बैटर होना चाहिए ये देखें बैटर हमारा तैयार हो गया है लम्प फ्री बैटर है और जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा था उसमें हम सारा बैटर पोर करेंगे मोल्ड इसलिए कहा था कि पहले इसे आप कर लिया करें ग्रीस करके रख लिया करें क्योंकि जब आप बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हो ना तो आप समझ लो कि इसका जो टाइमिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है और जब आप थोड़ी देर बाद केक को बेक करते हो तो वो आपका केक राइज नहीं होता आप कोशिश किया करें जल्दी से जल्दी जब आप बैटर बना लें तो फ़ौरन से बेक कर लिया करें और पतीला या कड़ाही आपने पाँच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्री हीट करना है उसको उसके बाद केक बेक करना है काफ़ी सारी वीडियोस में फुल प्रोसेस साथ दिखाया हुआ है कि कैसे बेक किया जाता है विदाउट ओवन तो कढ़ाई या पतीले में तो आप वो वीडियोस मेरी चेक कर लीजिएगा मैं किसी वीडियो का लिंक दे दूँगी इसको पैंतालीस मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने बेक किया है और एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको बेक करेंगे ना पैंतालीस मिनट हो जाने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है और केक को उसके पंद्रह बीस मिनट अंदर ही रहने देना है पतीले या कढ़ाई को उसको ओपन नहीं करना ठीक है उससे केक का कलर बहुत अच्छा आता आ जाता है ठीक है और उसके बाद केक को आपने ठंडा करना है एंड देन डीमोल्ड करना है इस बात का भी ध्यान रखा करें कभी भी गर्म केक को आप डीमोल्ड नहीं करेंगे हमेशा आपने केक को पहले ठंडा करना है उसके बाद नाइफ की मदद से साइडों से उसको अलग करना है एंड फ्लिप करके इसको मोल्ड से अलग कर लेंगे तो ये देखिए कितना परफेक्ट सा केक हमारा तैयार हुआ है ना तो अब हम बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे बहुत ही प्यारा सा मोइस सा ज़बरदस्त सा हमारा केक बन के तैयार हुआ है जैसा हमें चाहिए था ये बहुत सॉफ्ट होता है बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है अब हम जो एक्स्ट्रा ऊपर से है ना केक को ऊपर से इवन करने के लिए ऊपर से हम फालतू वाला जो है ना उतार देंगे नाइफ की मदद से ताकि ये हमारे पास इवन सा हो जाए क्योंकि हमें स्केयर फॉर्म में चाहिए तो हमें सारी साइड उस से उसकी इक्वल लेयर चाहिए तभी हमारे पास वो क्यूब से बन के आएंगे और उसके बाद हम इसको पीसीज़ में डिवाइड करेंगे ऐसे करके पहले लेंथ में इसको कट करेंगे एंड देन इसको क्यूब में हम कट कर लेंगे बहुत इजीली हो जाता है हमेशा आप देखा करें कि नाइफ जो प्लेन वाली है वो यूज ना किया करें आगे से जो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है ना वो वाली यूज किया करें केक को कट करने के लिए तो बहुत ईजीली केक कट हो जाता है तो ये सारे क्यूब्स कट हो चुके हैं इसका वैसे इस तरह भी केक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है अगर आप उसको लेमिंगटन टच नहीं देना चाहते तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हो तो नेक्स्ट स्टेप पर हमें चाहिए चॉकलेट सिरप सा जो हम यूज़ करेंगे इसमें तो ये यहाँ पे मैंने ली है 200 ग्राम डार्क चॉकलेट जिसको मैंने आधा कप दूध के साथ मेल्ट कर लिया है ठीक है और उसके बाद यहाँ पे साथ मैंने ले लिया है श्रेडिड कोकोनट ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा अब मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ कि कैसे इसको हमने कोटिंग करनी है इसकी तो आपने साइडों से इसको यूं करके जैसे मैं कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो उस तरह करके आपने इसको चॉकलेट सारी साइडों पे लगानी है पहले ठीक है पहले तो हम चार साइड्स पे लगाएंगे ताकि हम इजीली इसकी इसके ऊपर कोकोनट लगा सकें अगर सारी साइडों से लगा देंगे एक ही दफा से तो वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा आपके हाथ भी बहुत ज्यादा गंदे हो जाएंगे तो वो अजीब सा लगेगा ठीक है आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे तो यहाँ पे कोटिंग कर देनी है देन श्रेडिड कोकोनट की चारों साइड से अब जो दो साइडें रह गई थी ना उन पे बारी बारी एक एक साइड पे पहले हम चॉकलेट लगाएंगे और उसको कोकोनट से कोटिंग कर लेंगे उसकी ठीक है उसके बाद जो लास्ट वाली साइड रह गई है ना उसको भी यूं ही हमने करना है पहले आपने सारी ये जो पांच साइड है ना इन पर अच्छी तरह से कोटिंग कर ले कोकोनट की ताकि आप इजी हो के कर सको तो इसको अब फाइनल जो हमारी रह गई है ना साइड उस पर भी चॉकलेट लगा के इसको भी कोटिंग कर लें अब हीजी हो गया अब सारी साइडों पर अच्छी तरह से मजीद इसकी कोटिंग करें अच्छी तरह से कोकोनट सारी साइडों पर लग जाना चाहिए यह देखें जी किस तरह से सारी साइडों पर अच्छी तरह से हमारा कोकोनट लग चुका है और अब इसी तरह से हम सारे जो क्यूब्स हमने कट करके रखे हैं ना उनको भी यू ही हमने कोटिंग कर लेनी है चॉकलेट और कोकोनट की तो हमारा केक रेडी हो जाएगा बहुत ही जबरदस्त सा फौरन से आप इसको सर्व करो इंजॉय करो सबको इनशाला पसंद आएगा बहुत आसान रेसिपी है इनशाला आपको पसंद आएगी मस्त ट्राई करिएगा और मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़